शेयर बाजार के हाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं सक्षम वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर समीर रस्तोगी की तरफ। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे शो में। सर, बाजार में बढ़ते मामलों के बाद भी वैक्सीनेशन को देखते हुए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट नजर आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से वैक्सीन की शॉर्टेज आ रही है, खासकर उन स्टेट्स में जहां ज्यादा मामले आ रहे हैं, बाजार में क्या हमें आगे दबाव देखने को मिल सकता है? नमस्कार उपासना जी। वैक्सीन की शॉर्टेज जो है, ये देखिए, लगता तो ये है कि अभी 2-3 महीने शॉर्टेज रहेगी, बट मुझे लग नहीं रहा कि दबाव इसकी वजह से मार्केट पे बनेगा। मार्केट को पता है कि जो लॉकडाउन्स होंगे वो रिस्ट्रिक्टिव लॉकडाउन्स हैं, जहां जिन जिन स्टेट्स में आ रहे हैं तो वहां पे पार्शियल लॉकडाउन्स लग सकते हैं। बट मुझे जो वैक्सीन से ज्यादा मार्केट को क्या देखना है, मार्केट को ये देखना है कि वैक्सीनेशन की स्पीड पे होती है, या हम इनफैक्ट ये भी बात कर सकते हैं कि नए केसेस कितने कंट्रोल में आते हैं। अगर हमारे नए केसेस कंट्रोल में नहीं आएंगे तब ये थोड़ा सा सीरियस इश्यू बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये जो थर्ड वेव की बात हो रही है, ओके, ये कितना रियलिस्टिक है, क्या ये वैक्सीन के स्कोप में रहेगा या नहीं रहेगा। इनफैक्ट एक सर्वे हुआ था, ये सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए है, कि क्या सबसे बड़े दो खतरे हैं स्टॉक मार्केट को। तो उसमें सबसे बड़ा खतरा यही है कि कोविड का एक नया म्यूटेंट ऐसा आ जाए जिसमें करंट वैक्सीन काम ना करे, नंबर एक। नंबर दो ये कि यूएस या यूरोपियन सेंट्रल बैंक में से कोई महंगाई दर के बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को मजबूर ना हो। तो ये दो जो खतरे हैं ये ज्यादा बड़े हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज करेंटली मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ खास प्रेशर पड़ेगा मार्केट को। जी सर, बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए हैं, लेकिन ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ होकर के हमने क्लोजिंग देखी है। आज के सेशन में सबसे ज्यादा सपोर्ट बाजार को कहां से मिला है? सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेटल से ही मिला है। अगर आप देखें कि टाटा स्टील, वो तो आज 7.5% पे हुआ बंद, और मेटल अक्रॉस पूरे सेक्टर ही इट क्लॉक्ड एक्चुअली 4% का अपसाइड उसने आज देखा। लेकिन सपोर्ट कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकिंग से भी आया है। एचडीएफसी आज 2.5% पे, बजाज फिनसर्व आज करीब 2.35% पे बंद हुआ है। कुछ सपोर्ट एनटीपीसी, ओएनजीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी हुआ है, बट आई थिंक प्राइमरली तो मेटल का काफी सपोर्ट रहा है आज। जी सर, अमेरिकी बाजार पर नजर डालें तो वहां की जो ग्रोथ है, रिकवरी है, वो काफी तेजी से हमें देखने को आ रही है। काफी जो आंकड़े आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक अच्छे आ रहे हैं, जॉबलेस क्लेम के जो आंकड़े आए हैं वो भी कम आए हैं। अमेरिकी बाजारों की जो ग्रोथ है वो भारतीय बाजारों के लिए किस तरह काम कर सकती है? क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या पॉजिटिव? अगर रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज एक काफी पॉजिटिव कोरिलेशन रहता है इंडिया और यूएस मार्केट के अंदर। सबसे पहली बात देखिए, यूएस के नंबर्स जो अच्छे आ रहे हैं, यूएस की एम्प्लॉयमेंट अच्छी आ रही है, तो ये अच्छा ही रहने की उम्मीद है, बिकॉज जो नया स्टिमुलस भी बाइडेन गवर्नमेंट ने दिया है वो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ ही है। तो वो ओवरऑल अच्छा है यूएस मार्केट के लिए भी और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। बट जैसा अभी हम पहले सवाल में डिस्कस कर रहे थे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन तब तक है अगर हम अपना कोविड वेव को कंट्रोल कर पाए, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम भी दबाव में आ ही जाएं। जी सर, वहाँ फेडरल रिजर्व ने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अपनी जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी स्टॉक्स जो है वहाँ की कंपनियों के, वो काफी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और एक बड़ा कट देखने की संभावना है। और इस रिपोर्ट के बाद वहाँ के बाजारों में कुछ गिरावट भी देखी गई थी, ऑल्दो जब बाजार बंद हुए हैं तो नॉर्मल लेवल पर बंद हुए हैं। क्या भारतीय बाजारों में भी ऐसी कुछ सिचुएशन आपको नजर आ रही है, या फिर नॉर्मल रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं वो? देखिए, जहां तक वैल्यूएशन की बात है, यूएस मार्केट के अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अनइमेजिनेबल वैल्यूएशन पे हैं, और स्पेशली कुछ वो स्टॉक्स भी हैं जो कि पिछले 10 साल से उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में मुनाफा नहीं दिखाया, फिर भी वो बहुत हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। बट ऐसे स्टॉक्स जनरली टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले डोमेन में हैं, तो वहां पे जो फेड ने कहा कि भाई बबल कैटेगरी ये रेंज में हो सकते हैं, दैट इज ट्रू ऑल्सो। जहां तक हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ऐसा कोई स्टॉक, मेजर स्टॉक नहीं है, चाहे वो निफ्टी में हो या निफ्टी 50 या टॉप 100 में, जिसको कि हम कहें कि बबल कैटेगरी के अंदर है। तो इंडिया के अंदर वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है इन कंपेरिजन टू यूएस मार्केट। जी सर, एंजल ब्रोकिंग के जो शानदार नतीजे आए हैं उसके बाद से ब्रोकिंग कंपनियों का के स्टॉक्स पर फोकस ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने खुद ये चीज मापी है कि इस दौरान उनकी तरह से निवेश काफी ज्यादा बढ़ा है। आपको ये स्पेस कैसा नजर आ रहा है, और आपके कुछ फेवरेट स्टॉक्स अगर हम जानना चाहें तो वो कौन से होंगे? जी, मेरा मानना यह है कि ये जो सेगमेंट है ना, काफी वॉलेटाइल सेगमेंट है,
देखिए, पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट में तेजी आई, काफी इन्वेस्टर्स ने अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ाए. इनफैक्ट कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स में वो वॉल्यूम कम हुई और स्टॉक मार्केट के अंदर वो डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ी, तो उसका फायदा सारे ही स्टॉक ब्रोकर्स को पड़ा है. लेकिन ये फायदा तब तक तो रहेगा जब तक ये एक मोमेंटम या कि स्टॉक मार्केट बूम जिसको हम बोलते हैं वो चलता रहेगा. लेकिन जहां पर भी ये थमा तो नतीजे फिर उल्टे भी पड़ सकते हैं. तो मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टर बिल्कुल कॉशियस होके चलें इसके अंदर. मतलब ये थोड़ा सा काफी वॉलेटाइल है ये सेगमेंट. जी सर, टाटा मोटर्स ने कल से गाड़ियों के अपने दाम बढ़ा देगी वो, और अभी हमने आज भी देखा तो कुछ परसेंट तक इसमें इजाफा हुआ था, परसों भी देखा था। क्या सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से ये स्टॉक आपको कैसा नजर आ रहा है? मैं इस पे न्यूट्रल रहूंगा उपासना जी. मेरा मानना यह है कि वो प्राइस जब बढ़ाते हैं, कोई भी कंपनी बढ़ाती है तो मजबूरन कई बार बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ तो डिमांड रिलेटिवली कम है क्योंकि हमारे यहाँ कोविड वेव चल रही है, दूसरी तरफ महंगाई, स्टील प्राइसेस के अंदर जो चिपसेट नहीं मिल रहे उसकी वजह से तो महंगाई कुछ ज्यादा है, तो ये कंपनी को पर फोर्स प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं. तो अच्छी बात यह है कि कंपनी को अपने जो मॉडल्स हैं वो लॉस पे नहीं बेचने पड़ेंगे. दूसरी तरफ यह है कि ज्यादा डिमांड नहीं है तो अभी ये कह नहीं सकते कि कंपनी को फायदा होगा या नुकसान, तो मैं अभी फिलहाल न्यूट्रल रहूंगा. जी सर, फर्टिलाइजर स्पेस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। पिछले कुछ टाइम से ये जो इस स्पेस के स्टॉक्स हैं काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, काफी अच्छा इनमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इस स्पेस में ये देखते हुए आपको कौन से स्टॉक नजर आ रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो हमें मार्केट लीडर्स के साथ जाना चाहिए. मतलब तीन नाम जो मेरे दिमाग में आते हैं वो कोरोमंडल, टाटा केमिकल्स और चंबल फर्टिलाइजर आता है. अगर आपके पास तीन स्टॉक्स हैं तो आप समझ लीजिए 50-60% ऑफ द मार्केट वो आपके पास ऑलरेडी है. तो इसमें इन पर्टिकुलर टाटा केमिकल्स ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, बिकॉज उसके पास सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं, उसके पास केमिकल्स की ज्यादा रेंज है जो कि कहीं ना कहीं स्पेशलिटी केमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं. वो फार्मास्यूटिकल्स में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, सब जगह काम आते हैं. तो बट ये तीन स्टॉक्स आप कंसिडर कर सकते हैं. जी सर, गोल्ड कई दिनों से 1800 के लेवल पर जाकर के नीचे आ रहा था, उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा था, लेकिन कल उसने 1800 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी है। क्या ये लेवल ये गोल्ड में वापस रिकवरी का इंडिकेट कर रहा है? क्या आप सलाह देंगे? जी, आपको ध्यान होगा कि लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी गोल्ड के ऊपर, ओके, अप्रैल, लेट अप्रैल के अंदर, तो ये गोल्ड तब बोलिंगर बैंड में लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा था. तब लग रहा था कि ये ऑलरेडी अपने लो लेवल पे पहुंच गया है. तब से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड भी था और ये हुआ है. आउटलुक ये है कि अब ये इसके लिए शायद टाइम सही है ऊपर जाने का. अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले 12 महीने के अंदर गोल्ड शायद 2300 के लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा. तो आउटलुक तो पॉजिटिव है गोल्ड के लिए. जी, और जो लोग अभी करंट प्राइसेस को देखें, क्योंकि काफी वॉलेटाइल रहा है ये पिछला कुछ समय, जो निवेशक घबरा रहे हो कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें बेच देना चाहिए या इंतजार करना चाहिए, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? नहीं, इंतजार करना चाहिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं. गोल्ड तो एक अच्छा एसेट है और रीजनेबली प्राइस है, ना सस्ता है ना महंगा है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस काफी अच्छे हैं. जी समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए सर, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू पासा जी.